आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि आप अपना स्टोर इंडिया के हर एक कोने में खोल पाए। ये काम आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही करके दे सकता है। आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है क्या? आपके पास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं है? आपके पास एक अच्छा होलसेलर, एक अच्छा सुपर स्टॉकिस्ट, एक अच्छा रिटेलर क्यों नहीं है? आपका प्रोडक्ट हर एक रिटेलर के पास क्यों नहीं पहुंचता? क्या आपने कभी सोचा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी ना हो। मार्केट में जाइए, देखिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी है या नहीं है, उस पर आप क्या सुधार कर सकते हैं। आप ROI अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि वो भी आपके साथ तभी जुड़ रहा है क्योंकि उसको भी आगे आपसे बिजनेस ही करना है, उसको भी आपका प्रोडक्ट रीसेल ही करना है, तो उसकी रोजी रोटी उसी की वजह से चल रही है, तो उसको भी एक प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो ROI पे भी आपको फोकस करना है। तीसरा कारण हो सकता है मार्जिन। आप मार्जिन कहीं कम तो नहीं दे रहे? आपको ये एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आप कहीं इतना खर्चा आपने एडवर्टीजमेंट में तो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से आपका मार्जिन कम हो जा रहा है। कोई ऐसी कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से आप मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप मार्जिन पे भी आपको फोकस करना है। और फोर्थ कारण क्या हो सकता है, चौथा कारण ये हो सकता है कि आपका कंपटीटर आपसे अच्छा मार्जिन तो नहीं दे रहा। आपको अपने कंपटीटर पर भी ध्यान देना है, आपको अपने कंपटीटर पर भी फोकस रखना है कि वो मार्केट में कौन सी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपना एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने में प्रॉब्लम है, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको मैं ऐसी 10 स्ट्रेटजी दे पाऊं जिसकी वजह से आप एक अपना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए? वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट जाके मार्केट में सेल करे। एक ऐसा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो हर एक सिटी में रहेगा और वो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से जाके बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। वो अलग अलग आदमियों से जाके मिलेगा अलग अलग सिटीज में कि आप हमारे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, ना कि वो जाके आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करेगा। दूसरी स्ट्रेटजी है ट्रेड शो में पार्टिसिपेशन। ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस लगते हैं, अगर आप प्रगति मैदान दिल्ली में जाएंगे वहां पे बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, ग्रेटर नोएडा में एग्जीबिशन लगता है, बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस लगते हैं जहां पे अपने प्रोडक्ट को आप शोकेस कर सकते हैं। वहां पे आपको मैन्युफैक्चरर, वेंडर, वहां पे आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, काफी सारे ऐसा एक्सपोजर मिलेगा जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को शो करिए। वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी फायदा हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है जो आप आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आप एक चम्मच बनाते हो, एक बिस्किट बनाते हो, आप एक कोई व्हीकल बनाते हो, आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिल सकता है। आज आपको एक से एक स्ट्रेटजी दूंगा। मेरा मोटिव यही है कि आपका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने में सपोर्ट करूं। अगली स्ट्रेटजी है रेफरेंसेस। एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर का रेफरेंस रखिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प करेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने में। वो एक ऐसा रेफरेंस देगा जो अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके लिए हो सकता है। अगली स्ट्रेटजी है ऐसा पोर्टल जहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट मिल सके, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट मिल सके जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल bizrun.com हमारा खुद का पोर्टल है जहां पे आपको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया से ढूंढ कर देते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे प्रोस्पेक्ट जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे, हम उन्हीं से आपको कनेक्ट कराएंगे। पांचवी स्ट्रेटजी है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनिए, मार्केट एनालिसिस कीजिए, मार्केट में पेनिट्रेशन कीजिए, मार्केट में जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाइए, 10-15-20 डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाइए, उसमें से बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकता है। स्ट्रेटजी है सोशल मीडिया प्रमोशन। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई इंटरनेट पर आके बिजनेस करना चाहता है। कितने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, हर एक प्लेटफॉर्म पर आप अपनी पोस्टर लगाइए, हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस बनाइए जहां पर आप बता सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट है।
हर एक पोर्टल पे जाइए और हर एक पोर्टल पे एक्टिव रहिए। अगली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अगली स्ट्रेटेजी है वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज बनाना। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक लैंडिंग पेज बनाइए अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट पे एक कॉल टू एक्शन बटन रखिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो आपको उस फॉर्म को भर के, उस कॉल टू एक्शन बटन को क्लिक करके आपको इंक्वायरी दे पाए कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है। स्ट्रेटेजी है मार्जिन को इंक्रीज करना। मार्जिन को कैसे इंक्रीज करें? बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर आप अपने प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कुछ दिन काम करता है, फिर मार्जिन कम होने की वजह से छोड़ देता है। मार्जिन के लिए कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या आप कोई कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। आप एडवर्टीजमेंट में फोकस कीजिए। एडवर्टीजमेंट इनबाउंड करें। इनबाउंड सबसे सस्ती और किफायती एडवर्टीजमेंट है। आउटबाउंड पे फोकस ना करें। आउटबाउंड बिल्कुल ही बेकार तरीके की एडवर्टीजमेंट है। आज के जमाने में आउटबाउंड का कोई स्कोप नहीं है। इनबाउंड पे फोकस करें। इनबाउंड से ही आपको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे और कॉस्ट भी कट होगी, जिसकी वजह से आप अपना मार्जिन इंक्रीज कर पाएंगे। दसवीं स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। दसवीं स्ट्रेटेजी पर कोई फोकस नहीं कर रहा। हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा लें। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड वैल्यू पे काम करना। अगर आप ब्रांड वैल्यू पे फोकस करते हैं, अपनी ब्रांड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल घड़ी डिटर्जेंट का नाम सबने सुना होगा। घड़ी की खास बात क्या है कि उसकी जो एडवर्टीजमेंट है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आदमी के दिमाग में एक इमेज बन गई है। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक ब्रांड वैल्यू क्या है। ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार ब्रांड बन गई, डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपका प्रोडक्ट मांगेगा, रिटेलर आपका खुद प्रोडक्ट मांगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ज्यादा फोकस करें अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने में। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दे। बट अगेन, ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी 10 स्ट्रेटजी। आई गारंटी यू कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और ये 10 स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट मिले, आपको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट्स मिले, आप bizren.com पे आ सकते हैं। bizren.com पे हम आपको इन्हीं सारे 10 के 10 स्ट्रेटजी को फॉलो करवाते हैं। आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट में हेल्प करते हैं। आज ही लॉग इन करें।